अभी तक हमने इस क्लास में क्या क्या कवर कर लिया। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हेलो वर्ल्ड कोड सैंडबॉक्स में ना, क्लाउड सैंडबॉक्स या कोड सैंडबॉक्स जो भी है। उसके बाद हमने फिर हेलो वर्ल्ड वही वाला किया था अपने कंप्यूटर में, ये दो चीज़ें हमने कर ली। उसके बाद तीसरा हमने काम किया था कि जो हेलो वर्ल्ड अपने कंप्यूटर में किया था, उस हेलो वर्ल्ड की ऐप के अंदर हमने अपना पहला कंपोनेंट बनाया था, ठीक है। अच्छा, और वो कंपोनेंट जो था वो क्या था, वो डायनेमिक था और रीयूजेबल था। अच्छा, उस कंपोनेंट के अंदर हमने जो मैंने आपको बनाकर दिखाया था वो क्या बना के दिखाया था, एक फेसबुक के पेज का क्लोन। अच्छा, इसको चला भी लेते हैं ना कि दिखता कैसा है चलने में ये। मैंने कहा सीडी, अच्छा सीडी करके मुझे उसमें जाना होगा, सीडी 4 और फिर सीडी 3, ठीक है, डायनेमिक एंड रीयूजेबल। npm स्टार्ट, ये मैंने npm स्टार्ट कर दिया, ठीक हो गया जी। अच्छा, तो कुछ इस तरह का हमने क्या किया था लास्ट क्लास में, बनाकर देख लिया था इसमें कुछ इमेजेस और कुछ वो डाल के, ठीक है। अच्छा, इसमें किसी का अगर कोई सवाल है इतना जो हमने अभी तक पढ़ लिया है तो वो प्लीज मुझसे पूछ ले। सही है, जो आप फोल्डर बनाया था आपने, इसको कॉपी करके फिर दोबारा कमांड चलाना शुरू कीजिए। हाँ, तो मैं अपने लैपटॉप में इसको कॉपी करता हूँ, फिर उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट में कोई भी कमांड चलाता हूँ वो चलती ही नहीं। कैसे कॉपी हो जाता है, जैसे आपने ये दूसरे क्लास में कॉपी किया था पहले फोल्डर में, उसके बाद आपने दूसरा काम शुरू किया था, असल में देखो बात सुनो, मैं तो कॉपी इसलिए कर लेता हूँ कि जहाँ तक मैं पढ़ा चुका हूँ ना, मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे, ठीक है, मैं तो इसलिए करता हूँ कॉपी। तो तुम ये क्या करो कि नई ऐप बनाया करो हर दफ़ा, हर दफ़ा नई ऐप बनाने से क्या होगा, एक तो तुम्हारा हाथ सेट होगा कि भाई नई ऐप के अंदर काम कैसे होता है। हाँ जी जी, क्रिएट रिएक्ट ऐप से जो नई ऐप बनती है ना, कोशिश करो कि हर दफ़ा नई ऐप बनाओ ताकि नई ऐप में हाथ सेट हो। मैं असल में उसी को कॉपी करके आगे इसलिए चलाता हूँ ताकि कॉन्टेक्स्ट जहाँ तक बिल्ड हुआ है ना वहीं से आगे चले, ठीक है। अभी तो हमने इसमें बहुत कुछ करना है जो अभी तक हमने नहीं किया, इसमें काफ़ी कुछ हमें चीज़ें करनी है। तो मैं भी होपफुली आज की क्लास में होपफुली मैं नई ऐप बनाने की कोशिश करूँगा मैं भी। अच्छा, तो इसमें अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। हमने मूवमेंट जेएस की लाइब्रेरी जी दोस्त, इसको कंट्रोल सी से रोकते हैं, मैं यहाँ पे आके कंट्रोल सी प्रेस करूँगा, दो तीन दफ़ा प्रेस करूँगा रुक जाएगा, दोबारा इसको चला दूँगा दोबारा चल जाएगा, ठीक है। और मैं कंट्रोल कंट्रोल प्लस बैकटिक दबा के इसको हाइड भी कर सकता हूँ, कंट्रोल बैकटिक से ये खुलता भी और हाइड भी होता है जी। अगर इनपुट बॉक्स इसमें बनाएं, हाँ, उसके अंदर की वैल्यू गेट करने के लिए जावास्क्रिप्ट कहाँ लिखते हैं, अभी वो हम पढ़ेंगे आगे, अभी तक हमने वो चीज़ कवर नहीं की है क्लास में। अच्छा, तो इसको इस कोड को एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं, इसमें क्या क्या कुछ हमने लिखा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले CSS इंपोर्ट की हुई है, जो CSS इसमें अप्लाई होने वाली है। मूवमेंट JS की एक लाइब्रेरी है वो हमने इंस्टॉल की है इसमें, वो कनेक्ट की है। फॉन्ट ऑसम हमने इसमें कनेक्ट किया है। अच्छा, एक कंपोनेंट है जिसका नाम है पोस्ट, ये जो कंपोनेंट है इसमें ES6 का फंक्शन लगा हुआ है, ये सब लोगों को समझ आ रहा है, सिंगल लाइन में रिटर्न हुआ है इसलिए रिटर्न का कीवर्ड इसमें मौजूद नहीं है। हम ES6 के अंदर ये चार तरह के फंक्शन बनाने के डिफरेंट सिंटैक्स हम देख चुके हैं, तो ये कौन सा वाला है उसमें से, ES6 का एरो फंक्शन जो है वो ये सिंटैक्स है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि मैं ES6 का ही फंक्शन बनाऊँ, ES5 वाला भी बनाऊँगा तो वो काम करेगा और बिल्कुल उसी तरह करेगा, ठीक है। लेकिन मैंने फ़िलहाल क्या किया, इसमें ES6 वाला फंक्शन लगाया है, ठीक है। अच्छा, हम क्योंकि ES6 ही पढ़ रहे हैं शुरू से, तो हम आगे भी क्या करेंगे, इसमें ES6 वाली ही सारी चीज़ें इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उसके बाद एक पोस्ट का कंपोनेंट था, ठीक है, ये वाला पोस्ट का, और उसके बाद एक पेज का कंपोनेंट है। जो पेज का कंपोनेंट है उसके अंदर ये पोस्ट रेंडर होती है और डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ रेंडर होती है, फिर ये पूरा का पूरा पेज। अच्छा, आप नोट करेंगे जो पेज का फंक्शन है ये अभी किस में बना हुआ है, ES5 में बना हुआ है। इसको मुझे ES6 करना है तो मैं क्या करूँगा, इसका कोड चेंज कर दूंगा, मैं बोलूँगा लेट पेज इक्वल्स टू और एरो फंक्शन, ऐसे एरो फंक्शन वाला हो गया ये, ठीक है। तो हम जितने भी आगे अब काम करेंगे सब में हम क्या करेंगे, एरो फंक्शन ही इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, क्या मैं इससे रिटर्न का कीवर्ड हटा सकता हूँ, बिल्कुल हटा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट रिटर्न हो रहा है, पहली ही लाइन में क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है ना, तो पहली लाइन में रिटर्न होने का मतलब है रिटर्न का कीवर्ड मैं हटा दूंगा, और हटाने के बाद ये जो कर्ली ब्रेसेस है इसको हटा के गोल ब्रैकेट लगा दूंगा, जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है वहाँ पे भी गोल ब्रैकेट लगा दूंगा।
ठीक है, तो ये रिटर्न का कीवर्ड भी इसमें से हट गया, रिटर्न के कीवर्ड की मुझे ज़रूरत नहीं है। कब ज़रूरत नहीं होती मुझे रिटर्न के कीवर्ड की, जब पहली ही लाइन में रिटर्न हो रहा हो किसी भी फंक्शन में, तो उसमें हमें रिटर्न का कीवर्ड नहीं चाहिए होता, फिर हम ये गोल ब्रैकेट लगा देते हैं तो वो पहले ही लाइन में ऑटो समझ जाता है कि रिटर्न है, ठीक है। तो कोड हमारा थोड़ा सा क्लीन हो जाता है ऐसा करने से, और फिर ये जो पेज का कंपोनेंट है ये यहाँ पे रेंडर हो गया, किस पे रेंडर हो गया, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर के ऊपर रेंडर हो गया, ठीक है। अच्छा, ये सब लोगों को कंपोनेंट की हायरार्की पता चल गई है कि कैसे होती है, ठीक है। एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के अंदर लिखा जा सकता है, जैसे पेज का जो कंपोनेंट है, पेज के कंपोनेंट को मैं स्क्रीन पर रेंडर करवाता हूँ, लेकिन पेज के कंपोनेंट में क्या है, डिव है। डिव क्या चीज़ है, जो डिव है ये क्या है, व्हाट इज दिस डिव, ये भी एक कंपोनेंट है, सही है। ये HTML का एलिमेंट नहीं है, याद रखें ये HTML का एलिमेंट नहीं है, ये क्या है, JSX में हम जो भी कुछ लिख रहे हैं वो JSX का या React का कंपोनेंट है, पहले से बने हुए React के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स मौजूद हैं, ये उसमें से एक कंपोनेंट है। तो डिव क्या है, React का बिल्ट इन कंपोनेंट कहेंगे हम इसको। इस React के अंदर जो मैं क्लास नेम दे रहा हूँ, क्या ये एट्रीब्यूट है, नहीं ये एट्रीब्यूट नहीं है, ये क्या है, ये इसके प्रॉप्स हैं, ये इसके क्या है, प्रॉप्स है जो मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है। और प्रॉप्स का नाम क्या दिया मैंने, क्लास नेम, और उसकी वैल्यू दे दी पेज। तो ये प्रॉप जब मैं पास करूँगा ना, तो ये इंटरनली इसको कैसे परसीव करेगा, इसको ऐसा समझेगा कि क्लास लगाई है मैंने, ठीक है। अगर ये एट्रीब्यूट होता तो इसको HTML के स्टैंडर्ड के, HTML की डॉक्यूमेंटेशन में कहीं पर भी क्लास नेम नज़र नहीं आएगा आपको। दिस इज नॉट HTML, दिस लुक्स लाइक HTML बट दिस इज नॉट HTML। ये जो चीज़ हम पास कर रहे हैं ये प्रॉप्स हैं, और ये अभी प्रॉप्स को भी हम मजीद देखते हैं कि प्रॉप्स कैसे, देखो प्रॉप्स के आगे ना अभी हमने स्ट्रिंग दिया हुआ है, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रिंग हो, ये क्या हो सकता है, ये नंबर भी हो सकता है, ये बूलियन भी हो सकता है, बल्कि वो हो चुका है आर्टिकल में शायद वो पार्ट, अभी तो वो चलता रहेगा साथ साथ, अभी ये साथ साथ चलेगा हमारे सारा टाइम, ये प्रॉप्स ना, ये इसमें काम ही सारा प्रॉप्स का है, ठीक है। तो ये डिव जो है ये क्या था, एक कंपोनेंट था, रिएक्ट का बिल्ट इन कंपोनेंट था। फिर ये पोस्ट क्या है, ये भी एक कंपोनेंट है, ये रिएक्ट का बिल्ट इन नहीं है, लेकिन ये मेरा है, यहाँ पे बना हुआ है। अगर मैं इसको पूरे को उड़ा दूँ, इसको मैं गायब कर दूँ, तो यहाँ पे पोस्ट के नीचे क्या आ गया, एरर आ गया कि भाई ये तो है ही नहीं कंपोनेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो मैं कंट्रोल जेड करके इस पोस्ट को वापस लेकर आ जाता हूँ, तो एक कंपोनेंट यहाँ पे बना हुआ है। अच्छा, ऐसे चार पाँच और होते तो मैं यहाँ उसको भी इस्तेमाल कर सकता था, जितने होंगे बने हुए सबको इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये कंपोनेंट की थोड़ी सी हायरार्की हम समझ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, वेदर ऐप जो हम पहले ही बना चुके हैं, एक दफ़ा ज़रा इसमें ना आज वेदर ऐप दोबारा से बनाते हैं। API कॉल करनी थी हमें ट्विटर वाली, चलो वो कर लेते हैं। क्या बोलो, क्या कह रहे प्रॉप, तो नहीं ये शॉर्टकट है ना उसका, ये स्प्रेड वो है, डीकंस्ट्रक्शन है ना ये, तो ये अगर मैं प्रॉप करके डॉट लिखूंगा तो भी सही है, लेकिन ये ES6 का तरीका ये वाला है, ठीक है। प्रॉप्स डॉट करके लिखूंगा तो वो ES5 का तरीका है, ये ES6 का तरीका है। हाँ, चलता जा रहा था, अब ऐसे करके लिखेंगे ये ज़्यादा सही है, यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये फिक्स होता है ना, ये आपको बार बार नया ऐड थोड़ी करना है, वो एक बार जब बनाते हुए फिक्स हो जाता है, उसके बाद नए थोड़ी ना ऐड होंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं एक अलग नया, नई ऐप बनाते हैं। अच्छा, नई ऐप मैं कहाँ पे बनाता हूँ भला, क्योंकि अभी जो हम करते थे ना, अभी हम क्या करते थे, जाके यहाँ पे इंडेक्स की फाइल को रखते थे, बाकी सबको उड़ा देते थे, अभी वो हम नहीं करेंगे, अभी थोड़ा हमारा एक्सपीरियंस हो गया अब रिएक्ट में ना, पहले तो हम बिल्कुल बिगनर्स थे, तो हम थोड़ा बिगनर स्टाइल से करते थे। तो मैं क्या करता हूँ भला, मैंने डेस्कटॉप पे जाके, CD डेस्कटॉप पे जाके मैं एक नई ऐप क्रिएट करता हूँ, क्या लिखूँगा मैं, npx create dash react dash app, और मैं बोलूँगा कि भाई, अच्छा फेसबुक नहीं ट्विटर की API कॉल करते हैं, राइट, ट्विटर का टी मैं एक कर देता हूँ, सही है, ताकि स्पेलिंग थोड़ी चेंज हो जाए, ट्विटर कॉपी एंटर, ये मेरी ऐप का नाम है, मैंने एक नई ऐप क्रिएट कर ली, दैट इज़ कॉल्ड ट्विटर कॉपी, और आप नोट करें मैं उसको
डेस्कटॉप पे क्रिएट कर रहा हूँ, इसको डेस्कटॉप पे क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे इसको अभी फ्रॉम स्क्रैच बिल्कुल एक ऐप बनाने लगा हूँ मैं, क्योंकि उस वाले में तो बहुत सारी ऐप्स हैं ना, उसी पे बनता है तो उस तरह से मेक सेंस नहीं होता, तो इसलिए मैं इसको डेस्कटॉप पे बना रहा हूँ भाई, जल्दी बन जाए आज की डेट में यार, बहुत टाइम लगाता है, पता नहीं क्यों इतना टाइम लगाने लग गया इसके लिए। अच्छा मैंने नोट किया, दिन में जब पहली ऐप बनाता हूँ ना मैं क्रिएट रिएक्ट ऐप से, वो लेता है ज़्यादा टाइम, उसके बाद सबसीक्वेंट इतना टाइम नहीं लेता, ये पता नहीं क्या साइंस है, पता नहीं डेली अपडेट हो रही है क्या हो रहा है ना। हाँ ना देखो अभी ये पता नहीं क्या चक्कर है यार, चलो बन गया ठीक है। अच्छा कहाँ पे आया है बन के फोल्डर यार, ज़रा ढूंढते हैं उसको, ये रहा ट्विटर कॉपी, सही है ये मेरे पास बन के आ गया। अब मैंने क्या करना है, CD TW ट्विटर कॉपी जो भी मेरे फोल्डर का, तो मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा, देखो तुम लोग गलती करते हो टर्मिनल पे पूरा पूरा नाम लिखते हो, सिर्फ TW लिख के टैब दबाऊंगा, देखो खुद से एंटर करता है, खुद से कंप्लीट करता है, एंटर कर दिया मैंने ठीक है, पूरा पूरा नाम नहीं लिखा करो, बहुत टाइम उससे ज़ाया होता है। अच्छा और इससे एक फ़ायदा और भी होता है, अगर वो आप गलत फोल्डर में है ना, तो आप TW लिख के टैब दबाएंगे उसको कंप्लीट ही नहीं करेगा, तो आपको पता चल जाएगा आप गलत फोल्डर में, समटाइम ऐसा होता है आप उस फोल्डर में नहीं होते लेकिन आपको लगता है कि आप वहाँ पर हैं, फिर आप CD लिख के पूरा नाम लिखते हैं फिर एंटर करते हैं, वो कहता पता नहीं क्या है, सही है तो टैब दबाया करो उससे आसानी होती है। अच्छा फिर मैंने क्या किया, इसको कोड स्पेस डॉट डाल के इसको मैंने कहाँ पर ओपन कर लिया, अपने पास ओपन कर लिया यहाँ पे। अच्छा अब यहाँ पे देखो ब्रांड न्यू ऐप मैंने बनाई है जब रिएक्ट की, तो अब इसको ना थोड़ा मज़ीद देखते हैं कि SRC के फोल्डर में है क्या क्या, ये हमने पहले तो सब डिलीट कर दिया था ना आग बंद करके, हमने देखा ही नहीं था इसमें क्या है, तो अब हम सबसे पहले जाते हैं इंडेक्स के फाइल में। इंडेक्स की फाइल में अगर आप गौर से देखें, सबसे पहले रिएक्ट को इम्पोर्ट किया हुआ। अच्छा सब लोग ना यहाँ पे देखें, अभी सारी बातें बातें छोड़ दें, रिएक्ट को इम्पोर्ट किया हुआ, उसके बाद रिएक्ट डॉम को इम्पोर्ट किया हुआ, CSS की एक फाइल है उसको इम्पोर्ट किया हुआ, ठीक है ऐप के नाम से कोई चीज़ इम्पोर्ट की हुई है, पता नहीं क्या है, अभी देखते हैं नीचे क्या है, और उसके बाद वाइटल रिपोर्ट्स के नाम से एक लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया हुआ है, रिपोर्ट वेब वाइटल्स, ठीक है ये लाइब्रेरी इन्होंने बिल्ट इन डाल के दी हुई होती है, हम इसको रिमूव करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है, क्योंकि अभी हम फिलहाल अभी रिपोर्ट्स वगैरह की तरफ हम नहीं जा रहे। अच्छा अब ये जो ऐप है ना, इसको आप देखें ये यहाँ पे इसको रेंडर किया जा रहा है, तो क्या चीज़ है ये कंपोनेंट है, जब भी तो रेंडर हो रहा है ठीक है। अच्छा कंपोनेंट की पहचान क्या है, कि इसका जो पहला कैरेक्टर होगा वो कैपिटल होता है, और इसको ऐसे करके रेंडर करो तो हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐप जो है एक कंपोनेंट है, और वो कहीं से आ रहा है, कौन से स्लैश ऐप के नाम से एक फाइल है वहाँ से आ रहा है ठीक है, तो वो स्लैश ऐप के नाम से जो फाइल है ना। अच्छा एक तो इंडेक्स डॉट js है, ये तो खुद फाइल खुली हुई है, इंडेक्स डॉट css वो भी हमने देख लिया। अच्छा उसके बाद ऐप डॉट js में यहाँ से हम मूव कर जाते हैं कि भाई ऐप डॉट js में जो ये बना के वहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हैं वो है क्या चीज़, देखते हैं चल के, तो ये मैं ऐप डॉट js में आ गया। ऐप डॉट js में मैं जैसे ही आता हूँ तो आप देखें यहाँ पे क्या बना हुआ है, फंक्शन ऐप और रिटर्न कर रहा है JSX, रिटर्न JSX का मतलब कंपोनेंट है ये ठीक है, तो पता ही चला कि कंपोनेंट बना हुआ यहाँ पे, लेकिन यहाँ से ये एक्सपोर्ट हो जाता है और वहाँ पे इम्पोर्ट होके फिर रेंडर हो जाता है, तो इससे हमारा कोड क्या हो गया, क्लीन हो गया, इससे हमारा कोड क्या हो गया, क्लीन हो गया, कि भाई कंपोनेंट बनेगा कहीं और, इस्तेमाल कहीं और होगा, क्योंकि हम क्या कर, हम दो कंपोनेंट हमने एक ही फोल्डर में बना दिया था, जो कि बैड प्रैक्टिस है, हम एक फोल्डर में एक कंपोनेंट होता है और उसकी HTML, CSS, JavaScript वो सब एक जगह पे होती है, तो आज हम ना प्रॉपर तरीके से करेंगे काम, जो प्रॉपर तरीका है वो तो हमने बिगनर हेलो वर्ल्ड किया था हमने। अच्छा अब यहाँ पे ऐप आ गई, अब इस ऐप के अंदर देखो लिखा हुआ क्या है, कुछ इनका पहले से कोड है वो लिख, इसको मैं कोड उड़ा देता हूँ पहले से जो लिखा हुआ है ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये कंपोनेंट बना हुआ यहाँ पे है, यहाँ से एक्सपोर्ट होता है और यहाँ पे जाके फिर इम्पोर्ट होता है और फिर रेंडर होता है, तो इसका मतलब ये है कि इस कंपोनेंट में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो स्क्रीन पे आना चाहिए, ऐसा ही है। अब देखते हैं जाके स्क्रीन पे, इसको मैं NPM स्टार्ट करता हूँ,
एरर नहीं नहीं वो तो कह रहा है यूज़ नहीं हो रहा है, अनयूज्ड है। क्या कह रहा है, ये पहले से एक ऐप चल रही है तो उसको हम बंद कर देते हैं, ये वाली इसको बंद भी कर देते हैं और इसको पूरा बंद कर देते हैं। ओहो, मैंने वो पूरा ही VS कोड ही उड़ा दिया, पूरा VS कोड ही उड़ा दिया मैंने। अच्छा NPM start। ठीक है जी, ये NPM start करने से क्या हो गया भाई, चल जा सही से यार, ये इतनी ज्यादा प्रोसेसिंग पावर कौन ले रहा है मेरी। गूगल क्रोम ही ले रहा है, अच्छा नॉट जीएस ले रहा है। अच्छा खैर, तो ये मेरा कंपाइल भी हो गया, चल भी गया और हेलो वर्ल्ड मेरे पास क्या हो गया, लिखा हुआ भी आ गया। ठीक है जी। अच्छा ये सेंटर में इस वजह से आ रहा है, क्लास नेम लगी हुई है, तो मैं क्लास नेम भी इस पर से हटा देता हूँ, अब ये सेंटर में नहीं आएगा। तो हमने क्या देखा कि जो काम हम डायरेक्ट इंडेक्स डॉट जे एस में करते थे वो हमें डायरेक्ट इंडेक्स डॉट जे एस में नहीं करना है, क्योंकि इंडेक्स डॉट जे एस में और बहुत चीज़ें होंगी जो शुरू में उसमें लगी हुई होंगी। ठीक है, तो हमें अपना कंपोनेंट उससे सेपरेट करना है। अच्छा, हमने ये भी बात देख ली है कि जो आपकी पूरी की पूरी ऐप होती है वो असल में एक कंपोनेंट होता है जी। अच्छा, तो पूरी की पूरी ऐप होती है हमारी वो क्या होता है, वो एक सिंगल कंपोनेंट होता है, फिर उसके अंदर जो है वो छोटे छोटे बहुत सारे दूसरे कंपोनेंट होते हैं। यानी पूरी जो फेसबुक की ऐप है वो एक कंपोनेंट होगी ना, उसके अंदर फिर एक कंपोनेंट पोस्ट का होगा, एक कंपोनेंट साइड बार का होगा। ठीक है, फिर साइड बार के अंदर टॉप पे जो है वो फ्रेंड सजेशन का एक कंपोनेंट होगा, फिर उसके नीचे ऐड लगा हुआ होगा, वो एक अलग कंपोनेंट होगा, फिर उसके नीचे क्या हो सकता है आपके शॉर्टकट्स होंगे, वो एक अलग कंपोनेंट हो सकता है। ठीक है, तो बड़ा कंपोनेंट एक होगा मेन, उसके अंदर फिर छोटे छोटे बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, उससे मिलकर पूरा का पूरा पेज बनेगा। तो ये जो कंपोनेंट है ना ऐप के नाम से, इसमें हम अपनी वेदर ऐप का अभी जो हम जो भी बनाने जा रहे हैं, फेसबुक बनाने जा रहे हैं अभी, सॉरी ट्विटर बनाने जा रहे हैं, तो ट्विटर का जो कोड है पूरा वो इसमें नहीं लिखूंगा मैं, उसके लिए मुझे एक दूसरा कंपोनेंट बनाना होगा। अब कंपोनेंट के नाम क्या होंगे, एक तो है ऐप, अब एक कंपोनेंट होगा होम, एक होगा अबाउट, एक होगा गैलरी, जो भी पेजेस है मेरे पास, तो हर के नाम से एक एक क्या बनेगा, कंपोनेंट बनेगा। सही है, तो आ जाते हैं जी सबसे पहले, तो एक हो गया इंडेक्स, एक हो गया ऐप, ये दो तो इसी तरह रहेगा। अब जो तीसरा कंपोनेंट बनेगा ना मेरा, वो बनेगा कंपोनेंट के CompoNENTS कंपोनेंट्स के फोल्डर में बनेगा। अच्छा, ये टेस्ट केसेस लिखने के लिए होता है, हम लेकिन टेस्ट केसेस अभी फिलहाल नहीं लिख रहे, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, वेल इसको डिलीट नहीं करता हूँ मैं, वो कहीं ना कहीं इंपोर्ट हुआ होगा, एरर दे देगा। खैर, हाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये है कि जैसे जो ब्राउज़र के अंदर आप लिखते थे ना जावास्क्रिप्ट, उसमें आपने जहाँ पे वो कोड लिखा है वहीं पे इस्तेमाल होता है। एक फाइल में लिखा हुआ कोड दूसरी फाइल में इस्तेमाल नहीं हो सकता, एक फाइल में लिखा हुआ कोड दूसरी, ये जो नॉट जेएस है ना, जो मॉड्यूल जेएस जो है जो हम कर रहे हैं न्यू वाली, उसमें ये काम हो जाता है, ये सिर्फ नॉट जेएस के अंदर पॉसिबल है, ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के अंदर पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक सवाल फिर और आना चाहिए जहन में, वो क्या कि यार ये तो कोड चल रहा है ब्राउज़र में, ये नॉट जेएस पे थोड़ी चल रहा है, तो इसमें कैसे पॉसिबल हो गया ये तो नॉट जेएस में पॉसिबल होता है सर। किसी को पता है इसका जवाब? हाँ, ये तो देखो, ये तो चलेगा ब्राउज़र पे, मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि ब्राउज़र वाली जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ये सिर्फ नॉट जेएस में होता है। तो अब अगर तो ये नॉट जेएस है तो ये ब्राउज़र में कैसे चलेगा, और अगर ये ब्राउज़र में चल रहा है तो इसमें ये पॉसिबल कैसे है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये जो कोड हम लिख रहे हैं ना ये डायरेक्टली चलता ही नहीं है, ये डायरेक्टली नहीं चलता, ये डायरेक्टली इसलिए नहीं चलता क्योंकि इसमें जो कोड लिखा हुआ है वो ब्राउज़र में चल ही नहीं सकता,
प्रैक्टिकली वो कोड जो इसमें लिखा हुआ है वो प्रैक्टिकली है ही नहीं कि जावास्क्रिप्ट में वो चल सके, वो है पूरा का पूरा नॉट जेएस का कोड जो ये नया वाला सिंटैक्स है। तो रिएक्ट का हम जो भी कोड लिखते हैं और उसको npm स्टार्ट करते हैं जब, तो वो बिल्ड होता है। बिल्ड के अंदर क्या होता है, ये तमाम का तमाम कोड कन्वर्ट किया जाता है एक सिंगल जावास्क्रिप्ट की फाइल में, कन्वर्ट किया जाता है एक सिंगल जावास्क्रिप्ट की फाइल में। और वो हम देख भी सकते हैं जब हम यहाँ जाते हैं ना, बिल्ड चलाते हैं जब, इस पर मैं रोक के इसको बिल्ड चलाता हूँ, npm रन बिल्ड, तो वो जो कंपाइल करता है ना पूरा, ये तमाम कंपोनेंट भले 200 कंपोनेंट हो, उसको सिंगल जावास्क्रिप्ट की फाइल में कंपाइल करके ये बिल्ड का फोल्डर बना के ना मुझे दे देता है। यहाँ ये देख रहे हो, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल दिखा देता हूँ, ऐसी हो जाती है ये फिर जावास्क्रिप्ट की फाइल, ठीक है। ये आप ही का कोड है जो रिएक्ट में हमने लिखा हुआ, ये वही कोड है, ऐसा हो जाता है ये। अच्छा, ये मिनिफिकेशन खुद कर देता है, हमने लास्ट टाइम एक दफ़ा डिस्कस किया था ना कि जब राइट क्लिक करो फेसबुक पर तो उसका कोड पढ़ा नहीं जाता क्योंकि वो मिनीफाई और अगलीफाई हुआ हुआ है, वो काम आपको रिएक्ट खुद करके देता है जब आप बिल्ड चलाते हैं, आपको करना नहीं पड़ता। नहीं कर सकते, कर सकते हैं, देखो रिवर्स इंजीनियरिंग तो हर चीज़ की पॉसिबल है, यानी हैकर लेवल का कोई बंदा होगा तो वो कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ लेगा, लेकिन आम इंसानों के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो तो हैकर तो फिर कुछ भी करते रहते हैं, तो अगर किसी को मिल गया है कोई तरीका, कोई ढूंढ लिया किसी ने, तो वो बात अलग है, लेकिन जनरल तासुर यही है कि वो एक बार मिनीफाई हो गया या अगलीफाई हो गया तो वो रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है जी। अच्छा, तो अभी हमने क्या कर लिया है इस वक्त, अभी हमने दो कंपोनेंट हमारे, एक इंडेक्स का, इंडेक्स की फाइल है, और एक ऐप डॉट जे एस की फाइल है। ऐप डॉट जे एस में एक कंपोनेंट बना हुआ है जो कि क्या होगा, पूरी ऐप होगी ये कंपोनेंट। इसके अंदर अब क्या होगा, पेजेस जो होंगे हर पेज वो एक अलग अलग कंपोनेंट होगा, फिर हर पेज के अंदर जो सेक्शंस होंगे वो कंपोनेंट अलग अलग होंगे। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपको कितना ब्रेक डाउन करना है अपनी ऐप को, मतलब आया कि पोस्ट का एक कंपोनेंट बनेगा या पोस्ट के अंदर तीन कंपोनेंट बनेंगे, कि भाई टॉप वाला हिस्सा अलग जिसमें नाम और एक डेट आ रही है वो पूरा एक कंपोनेंट हो सकता है अलग, बीच वाला एक हिस्सा एक कंपोनेंट हो सकता है, फिर नीचे जो कमेंट्स जहाँ आते हैं जहाँ पे वो, तो वो एक अलग कंपोनेंट हो सकता है। तो आप, ये डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो वो अभी ये एक समझ है कि कितना ब्रेक डाउन करना है, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस से पता चलता जाएगा। ज़्यादा ब्रेक डाउन करने से वो कंपोनेंट इतने सारे हो जाएंगे फिर वो उसको डील कौन करेगा। लेकिन फेसबुक की मैं बात करूँ अगर फेसबुक की, तो फेसबुक की जो पोस्ट है ना वो मेरा ख्याल है कि कोई 5 के करीब अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो एक जगह मिक्स हुए हैं। वो हम अभी जो आप लोगों ने बनाया ना एक पूरा ऐसा फेसबुक का एक कब बनाया है, वो फेसबुक में मोस्ट प्रॉब्ली एक नहीं होगा, वो तकरीबन 5 अलग अलग होंगे, मतलब लाइक कमेंट और शेयर, ये तीन कंपोनेंट होंगे मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है। वो फॉर श्योर तो मैं भी नहीं बता सकता क्योंकि वो कोड उनका पब्लिक नहीं है ना फेसबुक का। अच्छा, तो ऐसा माना जाता है कि वो रिएक्ट पर बनी हुई है, ये भी फॉर श्योर कोई बता नहीं सकता कि वो किस पे बनी है, क्योंकि वो तो बिल्ड मिलता है ना, वो तो अगलीफाई मिनीफाई दिखता है, तो फॉर श्योर नहीं बता सकते, लेकिन उसके कुछ एक्सटेंशन होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि अच्छा यार इसमें ये कुछ हुआ है ना, तो ऐसे आइडिया एक आइडिया देते हैं कि ये इस पे बना हुआ है। तो फेसबुक जो है वो रिएक्ट पे बनी हुई है ऐसा माना जाता है, ठीक है। इसके कुछ क्रोम के, गूगल क्रोम के एक्सटेंशन होते हैं, क्या नाम है पता है, नाम बताओ। नहीं नहीं, रिएक्ट कंपोनेंट्स नहीं, नहीं वो एक टूल होता है, वो बता देता है कि इसमें फ्रंट एंड कौन सी है, बैक एंड कौन सा है, वो पता है वेबलाइजर। अच्छा, ये तो चला के देखना ही है, उससे पता चलेगा कि कौन सी ऐप ना किस पे बनी हुई है। वेल, तो अभी तक हमने क्या कर दिया, हेलो वर्ल्ड बना लिए, अब हम बनाने जा रहे हैं होम पेज का कंपोनेंट, ठीक है। हमारा जो ट्विटर बना रहे हैं ना आज, तो ट्विटर के होम पेज का कंपोनेंट अभी हम बनाने जा रहे हैं। अच्छा, तो इसमें मैं क्या करूँगा, एक फोल्डर बना दूंगा कंपोनेंट के अंदर होम, ठीक है। अच्छा, होम के अलावा क्या क्या होगा मेरे पास, होम के अलावा अबाउट हो सकता है, ठीक है, और अबाउट के अलावा क्या हो सकता है, होम अबाउट और चलो गैलरी बना देते हैं, GALLERY गैलरी, ठीक है। तो ये तीन पेजेस हैं, अभी इमेजिन कर रहे हैं हम कि हमारे अभी जो ऐप हम बनाने जा रहे हैं उसमें तीन पेजेस होंगे, ठीक है। अच्छा, तीनों पेजेस नहीं बना रहे, बनाएंगे तो आज की डेट में हम एक ही पेज होम पेज, लेकिन इसी ऐप को फिर हम फर्दर लेके जाएंगे तो वो तीनों पेज भी बनाकर देखेंगे इसमें, ये तीनों पेज कैसे बनते हैं। अच्छा, अब होम के अंदर जो है क्या होगा, होम के अंदर जी, हाँ
ये स्ट्रिक्ट मोड जो होते हैं ना, इसमें कुछ चीज़ें आपको ये करने नहीं देता। इंडेक्स के अंदर आप आ जाते हैं, ये रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड जो है ना, ये कुछ बैड प्रैक्टिसेस हैं, अगर आप वो लिखते हैं तो नीचे लाइन बना के देता है कि एरर है। जैसे अगर हम ऐसे जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, जावा स्क्रिप्ट में ट्रिपल इक्वल्स टू हमेशा लिखना चाहिए, डबल इक्वल्स टू बैड प्रैक्टिस है, तो उसमें आपको ना ये एरर दे देता है। इस तरह की जो जनरल प्रैक्टिसेस रिएक्ट की है, जावा स्क्रिप्ट की बात में रिएक्ट की, तो इसलिए वो स्ट्रिक है। अच्छा, स्ट्रिक मोड इनेबल करने से बेनिफिट ये होता है कि जब उसको वो सिंगल फाइल में कंपाइल करते हैं ना, और उसको मिनीफाई अगलीफाई करते हैं, वेरिएबल का नाम चेंज करते हैं, कंपोनेंट के नाम चेंज हो जाते हैं सारे, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, इसलिए स्ट्रिक्टनेस इसमें लगाई। अच्छा, ये स्ट्रिक का जो रूल है ना, ये भी दिन ब दिन ये बढ़ाते चले जाते हैं। अभी जो हो सकता है, अभी का कोड बिल्कुल सही चल रहा है ना, कल को स्ट्रिक मोड पे वो एरर दे दे आपको कि नहीं यार, ये अब ये स्ट्रिक में अलाउ नहीं है, वो आप स्ट्रिक मोड बस लगा के रखें। डिफ़ॉल्ट यही है कि आप स्ट्रिक मोड को हटाएंगे नहीं, लगा के रखेंगे। जी दोस्त, सर, इसी अगर थोड़ा ऊपर जाएं, तो कोड किया है आपने, हाँ, ऐप तो इंपोर्ट हो रहा है डॉट फ्लैश, तो वो पढ़ा हुआ है, हाँ, ये रिएक्ट नेट कहाँ से, किस यूआरएल से, कैसे आ रहा है ये इंपोर्ट? ये रिएक्ट जो है ये इसमें नॉट मॉड्यूल में पढ़ा हुआ है। देखो, नॉट जेएस के अंदर होता ही है कि जब आप किसी चीज़ को इम्पोर्ट करते हैं ना, तो वो क्या करता है, वो पहले उस फोल्डर में ढूंढता है, उसमें नहीं मिलता तो नॉट मॉड्यूल में ढूंढता है, उसमें भी नहीं मिलता तो पूरे सिस्टम में ढूंढता है, फिर वहाँ पे भी नहीं मिलता तो एरर दे देता है। इस तरह का कुछ होता है चक्कर, ठीक है। तो ये इसके नॉट मॉड्यूल में इंस्टॉल हुआ भाई, ये जो रिएक्ट है ना, और ये रिएक्ट डॉम है। जी यार, ये ना मैंने कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था, ये बता देता है, ये ऑप्टिमाइजेशन के काम आता है ना। मिसाल के तौर पर मैं अगर कोई ऐप बना रहा हूँ और मुझे उसमें ऑप्टिमाइजेशन करनी है कि वो मेमोरी एफिशिएंट हो, तो ये जो मैंने रिएक्ट इसमें से इंस्टॉल किया है, ये जो मेरा बिल्ड बनेगा उसमें जो लोड आएगा ना इसका, वो आएगा 6.9 KB का लोड, ये बढ़ाएगी ये लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये मैंने कोई अभी देख लेता हूँ, मैं भूल गया हूँ, ये गिटहब, ये भी एक्सटेंशन है कोई, अभी मैं देख लेता हूँ इसमें से कौन सा वाला है वो, ये होगा ना यहीं पर। एक तो गिट लेंथ है शायद, ये जो बता रहा है कि कितने मिनट अगू है, इम्पोर्ट कॉस्ट नाम है जो बता रहा है ना, ये 6.9 KB, इसका नाम है इम्पोर्ट कॉस्ट, ठीक है। ये सारे एक्सटेंशन मेरे पास इंस्टॉल हुए हैं, ये दोनों ही है मेरे ख्याल, इम्पोर्ट कॉस्ट और गिट लेंथ, ये दोनों हैं, ठीक है। तो ये वीडियो की रिकॉर्डिंग भी चल रही है अभी, तो अब बाद में वीडियो पर रिकॉर्ड भी हो गया। जी, ES lint इसलिए होता है कि आप जब कोई भी JavaScript लिखते हैं ना, तो उसमें एरर अगर आता है तो वो रेड लाइन नीचे बनी हुई नहीं दिखाता बाय डिफ़ॉल्ट VS Code आपको, ठीक है। तो ES lint इस चीज़ के लिए होता है। असल में जो एरर होता है ना रेड कलर का, उसको लिंट कहते हैं। जैसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ ना, तो ये देखो लाल कलर की लकीर बनी हुई आ रही है, तो ये लाल कलर की लकीर मुझे कौन दिखा रहा है, ये देखो ना, यहाँ हाथ रखा मैंने, तो ये मुझे ES lint ये लाल कलर की लकीर दिखा रहा है, ठीक है। वरना ये नहीं शो करेगा अगर मैं ES lint को अनइंस्टॉल कर दूंगा, तो मतलब ES lint के बगैर भी शो करेगा, लेकिन उतनी जगहों पे नहीं करेगा, कहीं कहीं पे करेगा, कहीं पे नहीं करेगा। असल में पहले जब VS Code आया था ना शुरू तो एरर तो शो ही नहीं करता था, कहीं पे भी नहीं करता था, तो हमें हर चीज़ के लिए लिंटिंग का ना एक्सटेंशन डालना होता था। जैसे CSS में अगर कोई मैं मिस्टेक करता हूँ, अभी कई दफ़ा हुआ भी है CSS लिखते हुए कि मैंने वो ना बॉर्डर 1 pixel सॉलिड ब्लैक को स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, वो एरर का लाइन नहीं बना के दे रहा नीचे, वो मैं चला रहा हूँ चल नहीं रहा हूँ, फिर आखिर में पता चला अरे मैं तो स्ट्रिंग में लिख दिया, स्ट्रिंग में इसको नहीं लिखा जाता। तो अगर मेरे पास CSS lint होता ना इंस्टॉल, तो वो मुझे वहीं पे लकीर बना के देता कि ये ज़रा गलती है, ठीक है। तो लिंटिंग इस चीज़ को कहते हैं लिंटिंग। जी दोस्त, हाँ ट्वेल्व वार्निंग है ना, तो वो 12 की 12 वार्निंग को आप स्टडी करें कि वो क्या है, एक एक करके उसको आप सही भी कर दें। नहीं, वो 12 वार्निंग जो लिखा हुआ है ना साथ में, वो बता भी तो रहा होगा कि वार्निंग है क्या, नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि बता नहीं रहा हो, वार्निंग कहीं तो बता रहा होगा वो, है ना, उसको सही कर लो। मोस्ट प्रोबेबली कुछ वेरिएबल्स ऐसे बने हुए होंगे जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है, वो उसकी वजह से दे रहा होगा, अभी तो इतना पढ़ा भी नहीं है ना रिएक्ट हमने कि इतनी वार्निंग आए ज़्यादा। अच्छा जी,
तो अब हमने क्या कर लिया, तीन फोल्डर बना लिए हैं कंपोनेंट्स के अंदर, हमने तीन फोल्डर बना लिए अबाउट, गैलरी एंड होम। अच्छा, होम के अंदर अब मुझे क्या बनाना है, इंडेक्स डॉट जे एस एक्स, ठीक है। कंपोनेंट के जितने भी फाइल बनेगी ना, उसका नाम क्या रखेंगे हम, जे एस एक्स। मैंने कहा इंडेक्स डॉट जे एस एक्स, जे एस एक्स जैसे ही करूंगा ना मैं, तो इसमें देखो लोगो बना हुआ जाएगा रिएक्ट का, ठीक है। जे एस एक्स की, ये जावास्क्रिप्ट की ही फाइल है, ये जावास्क्रिप्ट की ही फाइल है, लेकिन एक्स लगाने से क्या होता है कि ये वीएस कोड को और दूसरे ब्राउजर्स को ये पता चल जाता है कि ये क्या है, कंपोनेंट का फोल्डर है, कंपोनेंट की फाइल है ये। तो आपको क्या होने लग जाता है, सजेशंस आने लग जाती है। मिसाल के तौर पे देखो, ऐप के अंदर मैं आता हूँ और ऐप के अंदर आके ना मैंने यहाँ पे एच वन लिखना है, तो मैंने एच वन लिखा तो कुछ भी नहीं हो रहा, उसमें सजेशन आएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे जब मैं एच वन लिखता हूँ तो यहाँ पे जब मैं सजेशन में जाता हूँ, कोई सजेशन नहीं है, उसमें क्या होगा, जैसे ही मैं एच वन लिखूंगा, एच वन लिखा हुआ जाएगा, एंटर करूंगा, पूरा एच वन का कंपोनेंट बना के देगा। तो देखो ये जे एस एक्स में गया, मैं जे एस एक्स में जाके एच वन लिखूंगा ना, एच वन बना हुआ आ रहा है, एंटर किया एच वन बन गया, सही है। तो जे एस एक्स की वजह से उसको पता चलेगा कि अच्छा भाई ये जावा स्क्रिप्ट की तो है फाइल, लेकिन इसमें रिएक्ट का कोड लिखा जा रहा है। तो रिएक्ट की जितनी भी सजेशंस हैं वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगी, इवन दो कि कोई आपने एक्सटेंशन भी इंस्टॉल किया हुआ है रिएक्ट स्निपेट्स वगैरह का या रिएक्ट की सजेशन का, तो वो जेएसएक्स की फाइल में ही काम करेगा, प्लेन जेएस की फाइल में वो काम नहीं करेगा। अच्छा, तो अब इसके अंदर मुझे क्या बनाना है, सबसे पहले मुझे एक अदद कंपोनेंट बनाना है, तो मैं बना लेता हूँ कंपोनेंट एक अदद, ये मैंने कंपोन, अच्छा इसका नाम मैं क्या रखूंगा, इसका नाम मैं रख दूंगा होम, ठीक है। हाँ, कंपोनेंट कहीं पे भी बनेगा, एच बड़ा होना जरूरी है, होम पेज सेट हो गया, जबरदस्त हो गया। मैंने एक कंपोनेंट बनाया दैट वाज कॉल्ड होम और उसको मैंने एक्सपोर्ट भी कर दिया। अब इसको एक्सपोर्ट जब कर दिया तो जाहिर है इंपोर्ट भी करूंगा कहीं ना कहीं, ठीक है। आ जाते हैं आप, इसको कहाँ, मुझे ऐप जो मेरी पूरी ऐप है उसके बीच में मुझे एक पेज दिखाना है। मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा अब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नहीं प्रिंट होगा, अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, होम करके ऐसे प्रिंट होगा ये, ठीक है। अच्छा, होम पे तो एरर दे रहा है कि होम तो मौजूद ही नहीं है, तो होम को मुझे इम्पोर्ट करना पड़ेगा, डॉट स्लैश कहाँ से, कंपोनेंट स्लैश होम स्लैश फाइल का नाम, नहीं फाइल का नाम लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका नाम क्या है, इंडेक्स है। फाइल का नाम अगर इंडेक्स होता है तो वो ऑटोमेटिक उसको पिक कर लेता है, फाइल का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मैं इंडेक्स के अलावा कोई भी और नाम लिखता तो फिर मुझे यहाँ पे क्या करना होता, वो नाम, जैसे मिसाल के तौर पर मैं लिखता कि ए बी सी लिख देता, ए बी सी डॉट जी एस एस, तो मुझे वो नाम लिखना पड़ता, लेकिन जबकि मैंने क्या लिखा है, इंडेक्स लिखा है, तो मुझे उसका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिख देंगे तो भी कोई मसला नहीं है, इंडेक्स ऐसे करके लिख दो तो भी कोई मसला नहीं है, जे एस एक्स नहीं लगाना उसके आगे, सिर्फ इंडेक्स लिखना होता है, ठीक है। लेकिन नहीं लिखे तो ज़्यादा बेहतर है, कोड क्लीन होना चाहिए ना थोड़ा, तो वो चक्कर है ये सारा। नहीं, जे एस एक्स नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ नाम लिखेंगे, अब एक्सटेंशन नहीं। वेल, तो मैंने होम यहाँ पे लिख के उसको इम्पोर्ट कर लिया, अब होम जो है वो यहाँ आ गया। अच्छा, इसी तरह क्या होगा, अबाउट और गैलरी, अबाउट अबाउट हो गया, गैलरी, सही है, तीनों कंपोनेंट इंपोर्ट कर लिए, इन बना भी लेते हैं इसको, बना हुआ अभी अबाउट में कुछ भी बना हुआ नहीं है ना, मैंने कहा अबाउट में भी एक कंपोनेंट बनाओ, गैलरी में भी एक कंपोनेंट बनाओ, अबाउट में जाके बोलो अबाउट पेज, सही है, अबाउट में बोलो अबाउट पेज है ये, इसका नाम भी अबाउट कर दो, सही है, नाम भी अबाउट हो गया, और गैलरी वाले में जाके मैंने बोला कि इसका नाम क्या है, गैलरी है, ठीक है। सही है, गैलरी है। तो मैंने क्या कर दिया, कंपोनेंट के फोल्डर में तीन फोल्डर बनाए, ठीक है। सबसे पहला होम, होम के अंदर एक कंपोनेंट जो कि एक्सपोर्ट हो रहा है, रेंडर नहीं हो रहा, एक्सपोर्ट हो रहा है। अब ये एक्सपोर्ट हो रहा है ना पूरी ऐप के अंदर, किसी भी जगह पे इसको मैं इंपोर्ट करूंगा और रेंडर करवा दूंगा, दैट इज अप टू मी।
गैलरी में फोल्डर बनाया, उसमें भी एक कंपोनेंट बना दिया और उसको एक्सपोर्ट करवा दिया, अबाउट में भी बना दिया और उसको भी एक्सपोर्ट। अब ये मेरे तीन पेजेस हैं, सही है, कहने को तो तीन कम, लेकिन ये तीन अलग अलग पेजेस हैं। इसको मैं तीनों को रेंडर कहाँ करवा रहा हूँ? ऐप के अंदर रेंडर करवा रहा हूँ, सही है। ऐप के अंदर में क्या करवा रहा हूँ? ऐसे रेंडर करवा दूंगा तीनों को, अबाउट और गैलरी, ये तीनों पेज मेरे रेंडर हो गए। अच्छा, ये तीनों पेज ना अभी एट द सेम टाइम रेंडर हो जाएंगे। अभी क्या होंगे, ये एट द सेम टाइम तीनों के तीनों रेंडर हो गए। लेकिन क्या मुझे ऐसा चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा मुझे चाहिए कि स्लैश पे क्या हो, होम रेंडर हो, स्लैश अबाउट पे वो अबाउट वाले पेज को दिखाए और स्लैश गैलरी पे वो स्लैश गैलरी वाले पेज को दिखाए। दिस इज डन बाई राउटिंग, वो अभी हम पढ़ नहीं रहे राउटिंग, वो अगली क्लास का टॉपिक रहेगा हमारा, ठीक है। तो इन दोनों को मैं कमेंट कर देता हूँ, अभी सिर्फ होम दिखा रहा हूँ मैं, अभी सिर्फ एक पेज पे काम कर रहे हैं, बाकी के दो पेजेस पे अभी काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक पेज के ऊपर आ जाते हैं, अब काम करना क्या है हमें? ओके, सेव, इसको बंद कर दिया। अब ये जो होम का मेरा पेज है ना, इसके ऊपर होगी सारी कहानी स्टार्ट होगी यहाँ पर। अच्छा, इस पर मुझे सबसे पहले अब जो काम है आज का, जो हमें काम करना है वो ये करना है कि क्लिक के ऊपर एपीआई कॉल करके हमें डेटा ला के दिखाना है, यही करना है ना, या पेज लोड होते ही डेटा ला के दिखाना है। अच्छा, तो पेज लोड होते ही जो डेटा ला के दिखाते हैं ना, वो दिखाते हैं यूज़ इफेक्ट के ज़रिए। डेव सीडिया वाला वो आर्टिकल भी ओपन कर लेते हैं और हम आर्टिकल को फॉलो करते हुए चलते हैं। हाँ, ये आ गया ना, अच्छा ये जो योर टर्न वाला था ना, यहां तक आप लोगों ने कर लिया था, ये यूज स्टेट हम पढ़ चुके हैं, स्टेट वेरिएबल सब लोगों को पढ़ चुके हैं, हमें नहीं पढ़ा। अच्छा, हमने नहीं पढ़ा अभी, ओके 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 ओके, तो ये तो हमें पहले पढ़ना होगा ना, फिर ये तो हमें पहले पढ़ना होगा। Everything is not a string. अच्छा, वो पहला वाला पार्ट पढ़ा है, तो सेकंड पार्ट हमने नहीं पढ़ा। वेल, वो कंपोनेंट तो वही है, अभी बाद में पढ़ लेते हैं, पहले नहीं पढ़ा। अच्छा, जी दोस्त, नहीं नहीं वो यूज इफेक्ट तो बात करना, पहले तो हमें यूज स्टेट पढ़ना पड़ेगा। वो मुझे लग रहा था यूज स्टेट शायद हमने पढ़ लिया है, तो पहले हम ये स्टेट पढ़ लेते हैं। अच्छा, तो पहले तो स्टेट को हम समझते हैं कि स्टेट है क्या। ये देख रहे हैं ना, ये क्या कह रहा है, मेक द कंपोनेंट स्टेटफुल, ये कह रहा है। तो व्हाट इज स्टेट, सबसे पहला तो सवाल ये, अंग्रेजी में स्टेट हम किस चीज को कहते हैं? हालत, और व्हाट डज इट मीन बाय स्टेट, स्टेट ऑफ माइंड। अच्छा, गूगल करते हैं, देखते हैं क्या मतलब है। कह रहे हैं भाई के द पर्टिकुलर कंडीशन दैट समवन और समथिंग इज एट ए स्पेसिफिक टाइम। कह रहे हैं कि कोई खास कंडीशन जो है ना, किसी खास टाइम पे अगर होती है तो हम उसको स्टेट कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे, इफ समवन इज सैड, तो सैडनेस क्या है, वो स्टेट ऑफ माइंड है। या समवन इज हैप्पी अगर, तो हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, लेकिन वो एक सर्टेन टाइम के लिए होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यार स्टेट ऑफ माइंड क्या है, हैप्पी है। तो स्टेट ऑफ माइंड हैप्पी का मतलब ये कि वो हमेशा हैप्पी नहीं रहेगा, वो चेंज होगा, हो सकता है और हैप्पी, ज़्यादा हैप्पी हो जाए बाद में, हो सकता है बाद में क्या हो जाए, एक्साइटेड हो जाए, कुछ और हो जाए। स्टेट ऑफ माइंड बहुत सारे होते हैं, नर्वस हो जाए, ठीक है, कन्फ्यूज हो जाए, तो स्टेट ऑफ माइंड बहुत सारे होते हैं, हैप्पी भी होता है, बहुत सारे होते हैं। तो वो क्या होगा, स्टेट ऑफ माइंड, उसको स्टेट इसलिए कह रहे हैं कि वो सर्टेन टाइम के लिए, उसके बाद वो चेंज हो जाएगा, स्टेट कुछ और हो जाएगी। अच्छा, तो रिएक्ट के अंदर जो है ना वेरिएबल होता है, खास तरह का वेरिएबल, उसको स्टेट कहते हैं, स्टेट वेरिएबल कहते हैं उसको, सही है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेट वेरिएबल। अच्छा, तो आके ना जल्दी से हम एक स्टेट वेरिएबल बना लेते हैं, import use state from react, right? अच्छा, state variable कैसे बनेगा,
ये होम के अंदर ही अंदर रहते हुए बनेगा, यानी कंपोनेंट के अंदर ही आप इसको बना सकते हैं, कंपोनेंट से बाहर स्टेट वेरिएबल आप नहीं बना सकते, ठीक है। कंपोनेंट यहाँ पे नहीं बना सकते लाइन नंबर 4 में, आपको लाइन नंबर 6 के बाद 7 में 8 में 9 में ही बनाना पड़ेगा, और रिटर्न से पहले पहले, क्योंकि रिटर्न के बाद का कोड ये वैसे भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस दरमियान में आपको जो है वो स्टेट वेरिएबल बनाना होगा हमेशा। तो मैंने कहा कि लेट या कॉन्स्ट कर लेते हैं, कॉन्स्ट यूज स्टेट सही है, इज लिट और सेट लिट, ये दो हमने चीज बना ली। अच्छा अब यार एक अजीब सी बात है इसके अंदर कि पहले जब हम वेरिएबल बनाते थे, अच्छा इसको साथ में मैंने क्या कर दिया, ट्रू भी दे दिया। पहले जब हम वेरिएबल बनाते थे तो हम बनाते थे कैसे करके, लेट इज लिट इक्वल्स टू ट्रू, बन गया वेरिएबल। अच्छा इज लिट नहीं है, चलो कुछ इज ओपन कर देते हैं, वो सेम नाम से ना एरर दे रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा लेट इज ओपन नॉट ट्रू, ये हो गया। अब ये वाले वेरिएबल में ऐसा क्या मसला था कि हमें इतना बड़ा इसके अंदर ड्रामा करना पड़ रहा है, इतना लंबा कुछ करना पड़ रहा है ना। अच्छा इस वाले वेरिएबल में और इस वाले वेरिएबल में ऐसी क्या क्या कहते हैं डिफरेंट चीज़ है कि हम स्टेट वेरिएबल का नाम भी अलग रख दिया, बनाने का तरीका भी अलग है। देखो ये जो वेरिएबल है ना, ये जावास्क्रिप्ट का एक प्लेन वेरिएबल है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा इसकी और कोई तारीफ नहीं है, हम पहले कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, बस इसको इतना बोल के हम हटा देते हैं। ये भी जावास्क्रिप्ट का ही वेरिएबल है, लेकिन इसके अंदर ना दो ऐसी ख़ास बात है जिसकी वजह से ये रिएक्ट के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। नंबर एक बात ये है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको मैं क्या कर सकता हूँ, स्क्रीन पे रेंडर कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। अच्छा जब इसकी वैल्यू जब चेंज होगी तो ऑटोमेटिक वो स्क्रीन पे भी चेंज हो जाएगी, यानी स्क्रीन के साथ ये हुक हुई भी है, स्क्रीन के साथ ये हुक है। इस वेरिएबल के अंदर अगर कोई वैल्यू है वो मैंने स्क्रीन पे रेंडर करवाई हुई है, स्क्रीन पे दिखाई हुई है वो वैल्यू, तो वो जब ये वेरिएबल चेंज होगा वो साथ साथ चेंज हो जाएगी वैल्यू। हम तो ये बात देख चुके हैं कि हमें कोई पैरामीटर जब मिलता है यहाँ पे तो हम उसको स्क्रीन पे कैसे दिखाते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने इसको बोला कि रूम इज, और रूम इसके बाद मुझे क्या दिखाना है कि लिट और डार्क, यही दिखाना है ना मुझे, कोई एक चीज़ लिखूंगा मैं। तो अब मेरे पास है एक वेरिएबल, अच्छा ये जो बात लिखी हुई है ना ट्रू, ये है इसकी इनिशियल वैल्यू, ये इसकी इनिशियल के अभी इसमें क्या मौजूद है, इस लिट के अंदर ट्रू मौजूद है। तो मैंने इस लिट को यहाँ पे कैसे डिस्प्ले करवाऊंगा, जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट के अंदर इस लिट, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, जो भी इसकी वैल्यू वो प्रिंट हो जानी चाहिए, ट्रू है इसकी वैल्यू। लेकिन मुझे ना ट्रू नहीं प्रिंट कराना, मुझे करवाना है इस पर डिसीजन लेके कुछ और। तो मैंने कहा कि टर्नरी ऑपरेटर लगाऊंगा मैं, और टर्नरी ऑपरेटर लगा के मैं बोलूंगा कि लिट, और अदरवाइज मैं बोलूंगा कि डार्क, ठीक है। मैंने कहा कि इस लिट में अगर ट्रू है तो यहाँ पे लिट लिख दो, अदरवाइज डार्क लिख दो, तो क्या लिखा पाएगा, रूम इज लिट या रूम इज डार्क। ये पूरी चीज़ गायब हो जाएगी जब ये कोड रन होगा, तो ये पूरी चीज़ गायब होगी, क्या हो जाएगा, एक सिंगल वैल्यू रिटर्न होगी, जो कि टर्नरी ऑपरेटर का काम है। हम पहले देख चुके हैं कि टर्नरी ऑपरेटर जब चलता है तो वो खुद गायब हो जाता है, उसकी जगह एक वैल्यू आती है। इफ एल्स में ये काम नहीं होगा, इफ एल्स थोड़ा मुख्तलिफ है, तो यहाँ टर्नरी ही इस्तेमाल होगा, इफ एल्स इस्तेमाल नहीं हो सकता। यहाँ पे इन लाइन कंडीशन है ना, ये यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर ही इस्तेमाल होगा, कोई और चीज़ इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करूँगा। अच्छा तो अब डिपेंडिंग ऑन कि इसके अंदर क्या वैल्यू है, ट्रू है या फॉल्स है, या ट्रूथ ही है या फॉल्स ही है, उसके डिपेंडिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडीशनली डार्क या लिट डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं ज़रा स्क्रीन पे जाके देखता हूँ कि अभी क्या डिस्प्ले हो रहा है, अभी हो रहा है रूम इज़ लिट, क्योंकि इसमें क्या मौजूद है, ट्रू मौजूद है। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं शुरू में ही तो डार्क लिखा हुआ जाएगा, सही है। तो स्क्रीन से डायरेक्टली क्या होता है, ये एसोसिएटेड होता है, कनेक्टेड होता है, स्क्रीन से डायरेक्टली हुक होता है। अच्छा इवन दो ये यूज स्टेट ना, इसका नाम भी हुक है, रिएक्ट हुक है ये, और भी बहुत सारे हुक। तो हुक का मतलब यही होता है कि ये स्क्रीन के साथ हुकअप है, जब इसकी वैल्यू चेंज होगी तो वो स्क्रीन को दोबारा री रेंडर किया जाएगा,
स्क्रीन को दोबारा री रेंडर किया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा तो ये हमने देख लिया कि भाई एक वेरिएबल था, वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले भी करवा दिया, वेरिएबल की वैल्यू को इटसेल्फ डिस्प्ले करवा दें हम या उस पर कंडीशन लगा के कुछ और डिस्प्ले करवा दें, दैट इज़ अप टू मी कि मैं क्या करना चाहता हूँ। अब इस वेरिएबल को चेंज कैसे करेंगे, ये एक सवाल है। हमारा जो ट्रेडिशनल वेरिएबल होता है जावास्क्रिप्ट का प्लेन वेरिएबल, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम कहते हैं इज लिट इक्वल्स टू कोई भी नई वैल्यू, तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। इसके अंदर थोड़ा मुख्तलिफ है, इसके अंदर रीड करने के लिए ये वाला पार्ट और चेंज करने के लिए ये वाला पार्ट। जब भी इस वेरिएबल को मैं प्रिंट करवाऊंगा तो मैं ये वाले को इस्तेमाल करूंगा प्रिंट करवाने के लिए, जब भी इस वेरिएबल को मैं चेंज करूंगा तो मैं इसके ज़रिए चेंज करूंगा सेट लिट। ये यही तरीका है ऑफिशियल जो इनका दोनों है। हाँ ये स्टेट वेरिएबल ये रिएक्ट में यही वाला बनाते हैं। अच्छा लेकिन एक बात है, जो वेरिएबल मुझे स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है वो तो मैं इसी पे बनाऊंगा, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो मैं वेरिएबल स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं करना चाहता हूँ, वो सिर्फ मेरे लिए टेम्प्रोरी किसी काम से और काम से बनाया है, तो वो मैं भले स्टेट वेरिएबल ना भी बनाऊँ तो चलेगा। अभी फॉर्म की वैल्यू जब हम अभी स्टोर करवाएंगे थोड़ी देर में, अभी दो मिनट में हम स्टोर करवाएंगे, सही है। तो ये आपके जो सवाल आते हैं ना, इसका जवाब आगे आने वाला है। तो जी हाँ नहीं ले तो खैर, अगर चेंज करनी नहीं है कभी भी तो खैर, लेकिन एक बात और है, जब चेंज नहीं करनी तो फिर स्टेट वेरिएबल क्यों बनाया, वो डायरेक्ट वो बात ही लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना। हाँ वो भी हम इस तरह शो करा सकते हैं। हाँ लेकिन ये अच्छी, इसने बहुत अच्छी बात की कि अगर ये मैं ये वाला वेरिएबल ना बनाता, एक नॉर्मल वेरिएबल बनाता, तो उसको भी तो मैं डिस्प्ले करवा सकता हूँ। लेकिन मसला ये है कि जब वो वेरिएबल चेंज होगा ना, तो स्क्रीन पे वो चेंज नहीं होगा, स्क्रीन को री रेंडर नहीं किया जाएगा उस आम वेरिएबल, उस प्लेन जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल के चेंज होने पे स्क्रीन को चेंज नहीं किया जाएगा। उसकी रिएक्ट के अंदर उसका स्टैंडर्ड वो नहीं है कि उसकी वजह से स्क्रीन को री रेंडर किया जाए। बोलो नहीं, अच्छा अभी तुम्हारा जो सवाल है ना, तुम्हारा जो सवाल है असल में, ये सवाल जो है ना थोड़ा सा प्री मेच्योर है सवाल ये, वो मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारा सवाल मैं समझ गया हूँ क्या है। तुम ये कह रहे हो कि अगर मैंने नॉर्मल वेरिएबल बनाया है और उसकी वैल्यू चेंज हो गई है तो स्क्रीन पर चेंज नहीं होगी, ऐसा मैंने बोल दिया, तुम समझ भी गए। अब तुम ये कह रहे हो कि क्या ज़बरदस्ती उसको चेंज कराने का कोई ऑप्शन है, यही सवाल है ना तुम्हारा कि क्या मैं ज़बरदस्ती उसको चेंज करवा सकता हूँ। अच्छा ऐसा नहीं है कि वो कभी भी अपडेट नहीं होगी, कभी कभी हो भी जाएगी। कैसे होगी, मिसाल के तौर पे देखो, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना भी देता हूँ, बल्कि मैंने कहा कि यार लेट नेम कर देता हूँ, बल्कि नेट नेम इक्वल टू मलिक, और इस मलिक को मैंने क्या कर दिया, स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया। अब इमेजिन करो कि मलिक की ये नेम की वैल्यू ना चेंज हो गई, जॉन हो गई, वो स्क्रीन पर लेकिन चेंज नहीं हुआ। अच्छा अब ये एक पॉइंट आएगा, चेंज भी हो जाएगा स्क्रीन पर, कब होगा चेंज, मिसाल के तौर पे कोई दूसरा स्टेट वेरिएबल अगर चेंज हुआ तो दूसरे स्टेट वेरिएबल के चेंज होने पे स्क्रीन को री रेंडर करवाया जाएगा। तो अब आपको नेम की नई वैल्यू भी साथ साथ स्क्रीन पे आपको नई वाली नज़र आ जाएगी, मतलब इसकी वजह से इस कंपोनेंट को दोबारा रेंडर नहीं किया जाएगा, बस इतनी सी बात है, वैल्यू उसमें भी स्टोर रहेगी। लेकिन आपको स्क्रीन पे वो कब नज़र आएगी, अगर उसी दौरान कोई दूसरा स्टेट वेरिएबल अगर चेंज होता है तो उसके चेंज होने की वजह से रिएक्ट का कंपोनेंट दोबारा रेंडर किया जाएगा, तो आपको वो भी नज़र आ जाएगा जो नहीं पहले नज़र आया था। लेकिन इट डिपेंड्स, अभी हम इंशाल्लाह वो फॉर्म वगैरह वाली चीज़ है ना, अभी हमने की नहीं है, अभी हम जब वो करेंगे ना तो ये आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा कि असल में आपका सवाल ये है कि कब हम स्टेट वेरिएबल बनाएंगे और कब हम नॉर्मल वेरिएबल बनाएंगे। असल में आपका शायद सवाल ये है कि अगर किसी चीज़ को स्क्रीन पर रेंडर करवाना है तो अब कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जब नहीं करवाना होगा, ऐसा कौन सा काम होगा जिसको स्क्रीन पे नहीं दिखाना। तो ये सारे जवाब ना आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलते रहेंगे ये हम जब आगे चलेंगे तो। जी दोस्त, सर ये जो ऐसा आपने बनाया है, ये जो होके या स्टेट है, ये वैसे ही डिस्ट्रक्शन है लेकिन यू स्टेट जो है होके है ये। हाँ सर, ये फंक्शन है क्या, ये फंक्शन है जावा, ये हमें रिएक्ट दे रहा है, देखो रिएक्ट में से इम्पोर्ट किया ना ये,
तो रिएक्ट हमें ये बना के देता है, ये कंस्ट्रक्ट है, लाइब्रेरी है ना रिएक्ट, रिएक्ट में बहुत सारे फंक्शन बने हुए, तो ये भी एक फंक्शन है रिएक्ट का। इस खास तरह के फंक्शन को हम कहते हैं रिएक्ट हुक्स, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है वो मैंने आपको बता दिया, तो ये इसी तरह चलेगा। ये किसने बोला ऐसे चलेगा? रिएक्ट वालों ने बोला, जिसने लाइब्रेरी लिखी है उसने बोला ये ऐसे चलेगा, खत्म हो गई बात। उन्होंने डॉक्यूमेंट कर दिया कि भाई ऐसे करके चलाओ, ये इसका बिहेवियर है, इस तरह से ये करता है काम, खत्म हो गई बात। अब ये मतलब जावास्क्रिप्ट में ऐसा क्यों, वो उन्होंने सोचा कि ऐसा था, जो रिएक्ट के ऑथर्स थे दे डिसाइडेड कि ये ऐसे चलेगा, ठीक है। अब हमें उसको उसी तरह यूज़ करना है। हम ओपन कम्युनिटी है, चाहो तो जाके बोलो भाई इसको सही कर दो, कोई तुम्हें प्रॉब्लम दिख रही है इसमें, तो हो सकता है तुम्हारी बात को वो एक्सेप्ट करें और उसको चेंज कर दें, ठीक है। तो दे डिसाइडेड कि ये ऐसे चलेगा और डॉक्यूमेंट में लिख दिया उन्होंने। तुम्हारा क्या सवाल था? npm install लिखेंगे बस, हाँ जी, उसके टर्मिनल खोल के उसी सेम प्रोजेक्ट में जी, हाँ सेटलिट। अभी मैं बता रहा हूँ क्या, अब ये जो है ना, एक तो रीड करना होगा, तो ये पहला वाला लिखेंगे तो ये स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, या किसी दूसरे के साथ प्लस माइनस जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो इस पहले वाले से होंगे, रीड के सारे ऑपरेशंस। चेंज का ऑपरेशन ना इस फंक्शन से होगा, ये सेकंड वाला इज अ फंक्शन। अच्छा, तो अब इस फंक्शन को कब चलाऊंगा मैं? मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक बटन बना देता हूँ नीचे, बटन बटन एंटर, देखो बटन लिख के मैंने एंटर किया ना, बटन बन के आ गया, पहले नहीं होता था ये। इस पे मैंने रख दिया TOGG, टॉगल का टॉगल, इसको नाम दे दिया बटन को। टॉगल का मतलब होता है कि ऑफ है तो ऑन कर दो, ऑन है तो ऑफ कर दो। अच्छा, अब मैंने बोला कि इस पे ऑन क्लिक, देखो ऑन क्लिक ना मैं कैमल केस में लिख रहा हूँ, क्योंकि ये एट्रीब्यूट नहीं है, ये क्या है, प्रॉप्स है इसके। ये बटन जो है ये रिएक्ट का एक बिल्ट इन कंपोनेंट है, दिस इज नॉट HTML, ये बिल्ट इन कंपोनेंट है। इसमें ये प्रॉप पास कर रहा हूँ मैं ऑन क्लिक, और प्रॉप में क्या पास कर रहा हूँ मैं, पूरा का पूरा एक फंक्शन, ठीक है। अच्छा चलो, क्लिक हैंडलर इसको अलग से बना दे, क्लिक हैंडलर, ठीक है। क्लिक हैंडलर के नाम से फंक्शन नहीं है तो यहाँ बना लेता हूँ मैं इसको, ES6 का बनाता हूँ, कॉन्स्ट क्लिक हैंडलर इक्वल्स टू आर, नहीं ज़रूरी नहीं है, ES5 भी बना सकते हो, एक ही बात है। अच्छा, ये क्लिक हैंडलर का फंक्शन ना मैंने देखो बनाया यहाँ पर है, इसमें मैंने जस्ट नाम पास किया है। पहले हम क्या करते थे HTML में, इसमें यहाँ पे ना हम लगाते थे कॉल सिग्नेचर, ऐसे ही याद है, इसमें नहीं लगाना, इसमें लगाओगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये प्रॉप पास कर रहा हूँ। और ये किसने डिसाइड किया कि प्रॉप ऐसे पास होंगे, रिएक्ट वालों ने, क्योंकि ये रिएक्ट का कंपोनेंट है, और रिएक्ट में प्रॉप जब ऑन क्लिक किए कह रहे हैं ना रिएक्ट में, कि भाई ऑन क्लिक का जब मुझे आप दोगे प्रॉप, तो उसमें क्या दोगे आप, फंक्शन एज इट इज दे दोगे, कॉल नहीं करना उसको, कॉल वो रिएक्ट वाले डिसाइड करेंगे कि कब होगा ये, ठीक है। वो नेम फंक्शन हुआ तो नेम दे देंगे फंक्शन का, नहीं नेम फंक्शन बना देता हूँ ना, ये लो नेम फंक्शन बना देता हूँ इसको मैं, ये नेम फंक्शन बन गया, तब भी ऐसे ही देंगे उसको, यही सवाल था ना तुम्हारा। इसको इसको यहाँ पे ये कॉल सिग्नेचर नहीं लगाना आपने, ये वरना रिएक्ट पागल हो जाएगा, इन्फिनिटी चलना शुरू हो जाता है फिर वो, सही है, पेज लोड होते ही वो इन्फिनिटी चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कॉल सिग्नेचर यहाँ नहीं लगेगा, इसको मैंने जस्ट फंक्शन दे दिया कि भाई जब क्लिक हो तो ये फंक्शन चला देना, कॉल हमने नहीं करना, कॉल वो खुद करेगा। अच्छा, मैं वापस इसको ES6 का फंक्शन बना देता हूँ। अच्छा, तो क्लिक हैंडलर, अब इसके क्लिक पे क्या हो, पहले तो मैं console.log, जी दोस्त बोले, हाँ ब्रैकेट्स भी मैंने छोड़ दिए लगा दी, IM क्लिक हैंडलर, ठीक है, मैंने ऐसे बोल दिया कि IM क्लिक, कि भाई जब क्लिक हो ना इस पर तो लिखा हुआ जाए IM क्लिक हैंडलर। चलते हैं जरा जाके इस पर जरा क्लिक करते हैं, कॉन्सोल देखो जब मैं दबा रहा हूँ ना तो लिखा हुआ है आई एम क्लिक हैंडलर, मतलब ये सही चल गया, क्लिक सही होना शुरू हो गया उस पर। अच्छा, इस क्लिक हैंडलर के अंदर मैंने क्या करना है, सेट लिट का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए मैंने ये वैल्यू है शुरू में जो ट्रू है ये वैल्यू, इसको मैंने चेंज करवाना है, ठीक है। तो कैसे करूँगा, सेट लिट आया मैं इधर, मैंने कहा सेट लिट को कॉल करो और उसमें अंदर क्या रखवा दो, फॉल्स, सही लिखा मैंने बिल्कुल, तो क्लिक करते ही फॉल्स हो जाना चाहिए। अच्छा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ये फंक्शन चलेगा और ये फॉल्स होगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, स्क्रीन पे भी
चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा ख़ास तरह का वेरिएबल है जो स्क्रीन के साथ एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है, हुकअप है। जब ये वेरिएबल चेंज होगा पूरे कंपोनेंट को दोबारा चलाया जाएगा, यानी कि स्क्रीन पे जो वैल्यू वो भी अपडेट हो जाएगी। आके देखते हैं, रिफ्रेश किया मैंने, रूम इज़ लिट लिखा हुआ है, टॉगल दबाया रूम इज़ डार्क हो गया। ठीक है, दोबारा टॉगल दबाऊंगा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि दोबारा टॉगल दबाने से हर दफ़ा वो फॉल्स ही सेट कर रहा है। तो मुझे ऐसी सेटिंग करनी है टॉगल वाली ना, तो मैं बोलूँगा नॉट इज़ लिट। ठीक है, कि इज़ लिट में जो भी वैल्यू है ना उस पर नॉट लगा के सेव करा दो, तो उससे वो फिर टॉगल की सेटिंग हो जाएगी। कि वो क्लिक पे ना क्या होगा, देखो लाइट डार्क होगा अभी। सही है, थोड़ा इसको मैं एक BR भी लगा देता हूँ ताकि ना वो न्यू लाइन में आ जाए। ये देखो क्लिक डार्क हो रहा है, सेट हो गया, बिल्कुल ओके हो गया। जी दोस्त, ये लो। नहीं, ये फंक्शन है, ये पहला वाला वैल्यू इसमें मिलती है, दूसरा वाला जो है फंक्शन मिलता है। फंक्शन को जब आप कॉल करेंगे ना सेट लिट को, तो उसके पैरामीटर में आप जो भी देंगे ना वो जाके सेट हो जाएगा उसमें। नहीं, असल में तो ये दोनों मिला के एक वेरिएबल है, ये दोनों मिला के। ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको कि यार ये क्या वाहियात चीज़ है, लेकिन हु डिसाइडेड कि ऐसे होगा, ये रिएक्ट वाले, ठीक है, उन्होंने सोच लिया कि ऐसे होगा, दे डिसाइडेड, और उन्होंने डॉक्यूमेंट में लिख दिया कि ये ऐसे चलेगा। लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क ना हमेशा हमें कौन बताता है, जो उसका लिखने वाला है ना, उसका ऑथर है जो, वो बताता है कि कैसे चलेगी। समझ रहे हो, पहला वाले से रीड होगा, दूसरे वाले से चेंज होगा। अगर ये सिंपल वेरिएबल होता ना, तो उसमें एक ही में दोनों हो जाता है, कि इज लिट इक्वल टू न्यू वैल्यू दिया, खत्म, चेंज हो गया, सिर्फ इज लिट लिखा तो प्रिंट हो गया, लेकिन इसमें दो अलग अलग इन्होंने दिया हुआ है। जी दोस्त, वेरिएबल देखो, हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो अगर इज लिट मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता तो क्या हो जाता है, यहाँ पे प्रिंट हो जाता ट्रू या फॉल्स, यही होता ना, होता या नहीं होता? असल में वो ट्रू और फॉल्स को प्रिंट नहीं करता रिएक्ट, तो वो असल में प्रिंट नहीं होता। सही है, प्रिंट डायरेक्ट प्रिंट मैं किसको कर सकता हूँ, सिर्फ नंबर को और स्ट्रिंग को। ठीक है, ट्रू फॉल्स को मैं डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर सकता, और एरे को भी मैं प्रिंट कर सकता हूँ डायरेक्ट, ऑब्जेक्ट को नहीं कर सकता। क्यों? कि ये रिएक्ट का कंपोनेंट है, तो वो कंपोनेंट में जब कोई चीज़ लिखता हूँ ना मैं, उसको चाइल्ड के तौर पे कंसिडर करने लगता है, तो इसलिए ट्रू फॉल्स को डायरेक्ट स्क्रीन पे प्रिंट मैं नहीं कर सकता। अभी वो हम आते हैं उस पर, अभी API कॉल करेंगे ना तो बड़ा सा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसको कैसे प्रिंट करवाएंगे ये तुम्हारा सवाल है, वो करके देखेंगे हम कि कैसे होता है। भाइयों खामोशी, थोड़ा सवाल कर रहा है बंदा एक। अच्छा, ये सवाल इन्होंने किया है कि दो की जगह तीन वैल्यू अगर होती तो, ये सवाल है तुम्हारा, तो टर्नरी ऑपरेटर में नेस्टेड लग जाता है ना, एल्ज़ इफ, हमने ये देखा है टर्नरी के टाइम पर कि उसमें एल्ज़ इफ लग जाता है, तो वो काम होता है फिर यहाँ पर। ठीक है, नहीं इफ एल्ज़ यहाँ इस पोजिशन पर ना, जो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है इसमें वो नहीं लगेगा, इफ एल्स नहीं लगेगा। अब देखो ये मैंने क्या किया, इज लिट लिखने के बजाय ना पूरा टर्नरी ऑपरेटर लिख दिया। ये टर्नरी ऑपरेटर पहचानते हो ना, ये क्या करता है, देखो ये जो करली ब्रैकेट है इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है करली ब्रैकेट से के अंदर, ये क्या है, जावा स्क्रिप्ट है ना, इतनी दिस इज अ जावा स्क्रिप्ट, एग्री कर रहे हो? अब ये जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी तो ये क्या है जावा स्क्रिप्ट में, ये टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, यहाँ पे कंडीशन होती है, अगर वो ट्रू है तो पहला रिटर्न होता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड रिटर्न होता है। तो इसका मतलब है ये चलेगा जब, तो पूरा टर्नरी ऑपरेटर खुद गायब हो जाएगा, इसकी जगह एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी, और वो सिंगल वैल्यू क्या होगी, या तो ये या तो ये, तो ये हो रहा है यहाँ पे असल में। अच्छा, तो ये स्टेट वेरिएबल जो है ना हमने, जी जी दोस्त, हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा तुमने कि इसमें पैरामीटर देना होगा तो क्या करेंगे, वो हमें अभी थोड़ी देर में ही करके देखेंगे हम। ठीक है, अभी तो बाकी है ना पूरा रिएक्ट, अभी तो शुरू किया हमने, अभी वेदर ऐप बनानी है हमने, वही सब पीछे जो बना चुके हैं वही सब इस पर दोबारा बनाएंगे हम। ठीक है, फिर अपना खुद का सर्वर भी बनाएंगे, डेटाबेस कनेक्ट करेंगे, बहुत कुछ करना है हमने अभी। तो ये तुम्हारा बहुत अच्छा सवाल है कि क्लिक के ऊपर अगर उसको पैरामीटर देना है तो क्या करेंगे, तो मुझे बाय द वे इसका एक जवाब भी तुम्हारे सवाल में ही है, क्या हम प्लेन जावास्क्रिप्ट में जब ऑन सबमिट करते थे तो उसमें कोई पैरामीटर देते थे? इवेंट जैसे पकड़ते हैं तो उसके लिए फिर एड इवेंट लिस्टनर यूज करना होगा शायद।
नहीं इवेंट में भी हम पैरामीटर तो नहीं देते उसमें, वो तो खुद ही मिल जाता है इसमें, वो ये दे के पास करता है, ई लिखूंगा ही मिलेगा यहाँ पे ई, सही है, वो हमें देना नहीं पड़ता, वो रिएक्ट ने पीछे सेटिंग की भी है, सही है। तो ये तो चलो ई और सब दे के पास कर रहे हैं, लेकिन मुझे कोई अपना पैरामीटर देना है तो आमतौर पर जब ऑन सबमिट हम करते हैं, फॉर्म जब सबमिट होता है उसमें हम पैरामीटर नहीं देते, बल्कि वो सबमिशन पे जो फंक्शन रन होता है ना, वो फंक्शन एक एक करके उठाता है जाके वैल्यूज़। तो इसमें भी हम काइंड ऑफ वही काम करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन काइंड ऑफ वही है। अच्छा, तो ये मेरे ना स्टेट वेरिएबल थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिया गया, स्टेट वेरिएबल कैसा होता है और वो कैसे काम करता है। अच्छा, तो अब एक काम करते हैं, कंडीशनल सीएसएस भी तो लगा सकते हैं, जब ये स्टेट वेरिएबल के, जब स्टेट वेरिएबल चेंज होता है तो पूरे कंपोनेंट को री रेंडर किया जाता है, दोबारा से रेंडर किया जाता है, तो उसका मतलब है कि अगर सीएसएस भी मैंने कंडीशनल की भी हो तो ये तो सही हो जाएगा काम, है ना। अच्छा, तो फिर हम आते हैं, पहले तो सीएसएस इसकी बना लेते हैं, बनी भी नहीं है ना, होम पे सीएसएस नहीं है कोई, तो होम पे बोलता हूँ मैं इंडेक्स डॉट सीएसएस, ठीक है, सीएसएस बना ली मैंने। अच्छा, और उसको यहाँ पे इम्पोर्ट भी कर लेता हूँ मैं, इम्पोर्ट इंडेक्स डॉट सीएसएस, ठीक हो गया, ये सीएसएस की फाइल बन गई। अब सीएसएस की फाइल के अंदर मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक लिस्ट और एक, अच्छा यहाँ से सीएसएस इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ, इन्होंने कुछ अच्छा सा बनाया है, सीएसएस कहाँ गई इनकी, ये रहा, ठीक है, इन्होंने ये एक सिंपल सी सीएसएस है, इन्होंने पहले से लिखी हुई है, तो ये मैंने क्या कर लिया, आंसर पकड़ लिया। अच्छा, तो एक लिट है और एक डार्क है, लिट में क्या होता है, बैकग्राउंड कलर वाइट हो जाता है और डार्क में बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाता है, दैट इज इट, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो अब मैंने क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे आके देता हूँ अपने डिव को, क्लास दे देता हूँ, क्लास नेम इसको मैं दे देता हूँ डार्क, कैपिटल डी नहीं है, स्मॉल है, डार्क, सही है, डार्क दे दिया। अच्छा, डार्क के साथ साथ मैं इसे एक और भी इसने बनाया हुआ है, रूम बनाया हुआ है, ठीक है, ठीक है, रूम से असल में होगा ये कि वो उसमें विर्थ हाइट ना फुल है, वरना तो डिव क्या होता है, डिव उतनी जगह लेता है ना जितना उसके अंदर कंटेंट है, पूरी पेज पे तो नहीं लेता, तो असल में वो रूम के अंदर ऐसी सीएसएस लिखी हुई है जिससे क्या हो जाता है, वो हाइट उसकी 100% हो जाती है ऊपर से लेके नीचे तक, तो पूरे पेज पे आ जाता है वो, वरना क्या होगा, एक पट्टी दिखाएगा मुझे वो, तो कुछ इस तरह का मेरे पास हो जाता है। बोले ये हुआ क्यों नहीं, रूम और डार्क की स्पेलिंग सही लिखी है ना मैंने, रूम डार्क सही तो लिखी है, पता नहीं ये हाइट 100% क्यों नहीं हुई इसकी, हाँ कॉमा तो है, कॉमा तो नहीं होता, स्पेस होता है, देख लेते हैं इन्होंने कैसे लगाया है, स्पेस होता है, स्पेस सेपरेटेड होता है, वेल छोड़ो बाढ़ जाए हमें तो कलर चेंज हो रहा है ना वो हमारे लिए, बल्कि यार देख लेते हैं क्या हो रहा है, देख लेते हैं नज़र इसको, ये है ना हमारा डिप, इस डिव की जो हाइट है वो गॉट इट, समझ आ गया ये क्या हो रहा है, ये समझ आ गया क्या हो रहा है, असल में उसने जो सी एस एस लगाई है ना वो रूट और डिव लगाया है, हमारे केस में थोड़ा डिफरेंट है ये हायरार्की, ठीक है, हमारे पास रूट के अंदर जो है वो क्या है, एक और डिव भी है, रूट के अंदर एक और डिव भी है, इस वजह से तो हम एक काम करते हैं, उसको 100 VH दे देते हैं, 100 VH जो थोड़ा ब्रूटल होता है ये, ठीक है, हमने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, हमने कहा ये छोड़ो ये हायरार्की नहीं, मतलब इसने सेलेक्टर लगाए हुए थे कि किसके अंदर से किस, हमने कहा भाई रूम को ना 100 VH दो नो मैटर व्हाट, ठीक है। अच्छा, तो हमने फिलहाल अभी क्या दिया है, फिक्स, इसको फिक्स दी हुई है क्लास हमने कि भाई डार्क है, अब ये जो डार्क है इसको मैंने क्या करना है, इस डार्क को मैंने कंडीशनल बनाना है, कैसे होगा, अच्छा सेट लिट से कैसे करेंगे, नहीं वो तो इस लिट है ना, वो तो चेंज भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, देखो स्क्रीन पर तो चेंज भी हो रहा है, लेकिन सीएसएस चेंज नहीं हो रही मेरी, मुझे ये पार्ट कंडीशनल बनाना है, मुझे ये पार्ट जो है ना इतना, ये जो डी ए आर के डार्क लिखा हुआ है, मुझे ये पार्ट कंडीशनल बनाना है, हाँ तो अच्छा, सबसे पहले क्या होता है, हम
क्लास नेम चूंकि ये प्रॉप है तो जरूरी नहीं है कि मैं प्रॉप किस में दूँ, स्ट्रिंग में, ये पहले बता चुका है कि जरूरी नहीं है मैं प्रॉप स्ट्रिंग में दूँ, मैं जावास्क्रिप्ट में दूंगा प्रॉप। जावास्क्रिप्ट में दे दिया मैंने प्रॉप, ठीक है। अब इस जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं क्या दे देता हूँ इसको, मैं वही बैक टिक में मैंने दे दिया, बैक टिक में मैंने कहा रूम और डार्क, ठीक है। मैंने इसको किस में दे दिया, जावास्क्रिप्ट में। अब ये डार्क जो है इसकी जगह मैं टेम्पलेट भी तो लगा सकता हूँ, लगा सकता हूँ ना, और टेम्पलेट के अंदर डार्क लिख दूंगा या कोई वेरिएबल उठा के ले आऊँ, और टेम्पलेट के अंदर अगर मैं टर्नरी ऑपरेटर लगा दूँ ठीक है, और यहाँ पे मैं इजलेट लगा दूंगा। हाँ भाई सही हो गया ये, देखो अब होगा क्या, अब समझो इसको गौर से होगा क्या। देखो ये जो इतना टेम्प, ये जो इतना टर्नरी ऑपरेटर जो है ना, ये इतना है ठीक है, और ये है पूरा का पूरा टेम्पलेट। ये टेम्पलेट जब एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि अंदर टर्नरी ऑपरेटर है, इज गोना इवेल्यूएट ऑन अ सिंगल वैल्यू, और वो सिंगल वैल्यू क्या होगी, या तो लिट या तो डार्क। तो अगर वो डार्क इवेल्यूएट होता है तो कुछ इस तरह बन जाएगा, सही है, कंट्रोल जेड। ये चीज क्या बनने लगी है, ये बनने लगी है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू के उसमें है क्या इस वक्त। तो ये क्लास क्या हो गई मेरी, अब कंडीशनल हो गई। तो मैं ऐसे कोई भी चीज कंडीशनल बना सकता हूँ इस पूरे कंपोनेंट के अंदर, राइट। अब देखो क्या होता है, हाँ यही होता है डार्क मोड, और क्या होता है, हाँ बोलो। नहीं 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 ये कंपोनेंट जो है ना, ये जो ये इस वक्त कंपोनेंट का नाम क्या है, होम। ये होम की सीएसएस को चेंज कर सकता है, ये इससे पेरेंट को नहीं कर सकता। कहाँ लिखी हुई थी HTML की, ये नहीं नहीं HTML की थोड़ी है ये, तो नहीं वो कुछ भी लिख दो आप, वो थोड़ी ना फर्क पड़ता है। ये सिर्फ बाय द वे मैं लिख सकता हूँ, मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा ना, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि रूट पे क्या कर दो, मैं कहूँगा रूट पे फला चीज़ कर दो, वो हो जाएगा। ऐसा नहीं कि होगा नहीं, वो हो जाएगा, लेकिन असूलन होना ये चाहिए कि मैं क्या करूँ इस कंपोनेंट के अंदर जो CSS लिखूँ ना, वो इसी कंपोनेंट पे अप्लाई हो रही हो, कहीं और नहीं हो रही हो। क्योंकि कंपोनेंट हम शुरू में ये देख चुके हैं, कंपोनेंट क्या होता है, एक बड़ी मशीन का छोटा वर्किंग पार्ट होता है, छोटा। जैसे AC में कंप्रेशर इज अ कंपोनेंट, कंपोनेंट जो है प्रेशर, जो कंप्रेशर AC का कंपोनेंट है, क्योंकि वो एक कंप्लीट चीज़ है, उसको निकाल के अब उससे साइकिल में हवा भरनी शुरू कर दो चलेगा, उसका काम है हवा को कंप्रेस करना, दैट इज अ कंप्लीट मशीन। कंप्रेशर जो है वो एक कंप्लीट मशीन है, जो कि एक बड़ी मशीन का छोटा पार्ट है। AC एक बड़ी मशीन है, वो एक छोटी सी मशीन है जो उसका पार्ट है अंदर। तो कंपोनेंट इज अ स्मॉल मशीन कंप्लीट, लेकिन कंप्लीट स्मॉल मशीन है, और वो एक बड़ी मशीन का पार्ट है, पूरी ऐप का एक पार्ट है, छोटा पार्ट, ठीक है। तो कंपोनेंट के अंदर एक कंपोनेंट का HTML, CSS और JavaScript उसी फोल्डर में होगा, सही है। क्लियर हुआ तुम्हारा क्वेश्चन, वो जा रही है लेकिन वो हमें लेके जाना बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि इसी पे करें, मजबूरी में कर भी सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहिए। जी हाँ, एक ही फाइल बनाई है उन्होंने बुक में, असल में उसने एक ही, अभी बुक में वो यहाँ तक पहुँचा नहीं है इस कहानी तक, हाँ उसने अभी ये काम किया नहीं है, जब भी तो हमारे वो चल नहीं रहा था डायरेक्ट, क्योंकि हायरार्की हमारी डिफरेंट है, हम कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट में आ चुके हैं, हम कंपोनेंट की हायरार्की में थोड़ा आगे निकल चुके हैं। अच्छा तो हमने क्या देख लिया अभी तक, हमने देख लिया स्टेट वेरिएबल कैसे बनता है, और स्टेट वेरिएबल को स्क्रीन पे डिस्प्ले कैसे करवाते हैं, ये हमने देख लिया अभी तक फिलहाल, ठीक है। और स्टेट वेरिएबल से ना सिर्फ स्क्रीन पे हम कंडीशनल चीज़ें डिस्प्ले करवा सकते हैं, बल्कि क्लासेस वगैरह और इस तरह की दूसरे प्रॉप्स को भी कंडीशनल बनाया जा सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट वेरिएबल, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया,
अभी असाइनमेंट क्या दूँ, टाइम तो पूरा हो गया, मैं तो कुछ और सोच के आया आज बिल्कुल ही, मुझे मेरे जहन में नहीं था कि ये अभी पढ़ा नहीं है आपने स्टेट। API तो अभी यूज इफेक्ट से होगी, वो दूसरा काम है। हाँ यार ये बड़ा अच्छा तुमने बात की, आपने जो पहले से जो ऐप बनाई हुई है ना, जिसने तो बना ली है अच्छी बात है, जिसने नहीं बनाई है उसको कंप्लीट करे वो, और कंप्लीट करके उसमें डार्क मोड का ना कोने पे बटन बना दे। बटन कैसा बनाना है आपने, बटन आपने बनाना है, दिखा रहा हूँ मैं कैसा बनाऊँ। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, ये देख रहे हो, ये बटन देख रहे हो, ऐसा होना चाहिए, एक ही बटन हो, उसका इमेज भी चेंज हो रहा हो और उसका पूरा ओवरऑल पूरा कलर भी चेंज हो रहा हो। हाँ हाँ एक क्लास लगेगी, वो डॉट डार्क और डॉट लिट, यही है जो अभी हमने ऑलरेडी कर लिया इस क्लास में, वही है सही। और ये स्ट्रेट वगैरह वाला जो कोड है ये अपने हाथ से भी ज़रा चला के देख लेना। फॉन्ट ऑसम हमने यूज़ कर लिया है इस क्लास में, राइट, फॉन्ट ऑसम से वो आइकन वाइकन देख लेना, लगा लेना। हाँ इस लिट पे मैंने कहाँ लगाया नॉट, अच्छा ये नॉट, देखो देखो मैंने बोला सेट लिट जो है ना वो क्या है, एक फंक्शन है, सेट लिट के दरमियान में जो भी रख के भेजोगे वो कहाँ चला जाएगा, वो इस लिट के अंदर, तो मैंने कहा कार, तो इस लिट में क्या चला जाएगा, कार चला जाएगा, कार रख के भेजा, ठीक है। फॉल्स रख के भेजूंगा तो क्या चला जाएगा, फॉल्स चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं वापस इस लिट लिख के भेजूँ तो क्या चला जाएगा, जो है वही दोबारा चला जाएगा, जो है वही दोबारा चला जाएगा, कंपोनेंट री रेंडर भी हो जाएगा। अच्छा अगर मैं इसके आगे नॉट लगा दूं, तो अगर इसमें ट्रू है तो ट्रू पे नॉट लगने से क्या हो जाता है, तो फॉल्स चला जाएगा। अच्छा अब फॉल्स हो गया वो, अब दोबारा जब ये चलेगा तो इसमें फॉल्स है, फॉल्स पर नॉट लगता है तो क्या हो जाता है, तो ये हो रहा है, समझ गए। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, किसका NPM इंस्टॉल चलाओगे। देखो ये जो नॉट मॉड्यूल का फोल्डर है ना, ये GitHub में पुश नहीं होता, जब आप GitHub से क्लोन करते हो इसको तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे NPM I चलाना पड़ता है आपको, ठीक है, तो ये नॉट मॉड्यूल का फोल्डर वापस आ जाता है क्लोन करने के बाद। ऑफकोर्स ये पैकेज डॉट जेसन में से देख के ना ये डिपेंडेंसीज हैं जो सारी, ये दोबारा इंस्टॉल करता है ये, ठीक है। तो जब इस पर आप चलाओगे ना NPM I, तो ये नॉट मॉड्यूल दोबारा से बन जाएगा, उसमें वो सब चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी।